8 मई 2024 को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जो बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है, इसे आप इतिहास में दर्ज कर लीजिए। आईपीएल की शुरुआत में जो बल्लेबाजी ब्रेंडन मैकलम ने की थी, जिसकी चर्चा आज तक होती है, जहां पर उन्होंने 158 रन बनाकर आईपीएल का आगाज किया था, उसके बाद कल का जो मुकाबला था, इस मैच की तुलना उस मैच से की जा रही है। लखनऊ के सामने हैदराबाद की टीम थी, लेकिन हैदराबाद के ओपनर्स ने वो काम कर दिया है कि बाकी खिलाड़ियों की जरूरत ही नहीं पड़ी है। 166 रन बनाए थे लखनऊ की टीम ने, चेस करने थे आपको, बहुत बड़ा अच्छा खासा स्कोर कहा जाता है T20 में 166 के हिसाब से अगर हम T20 को देखें तो। लेकिन जिस तरीके से हैदराबाद के बल्लेबाज हेड और अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी की है, तहस नहस करके रख दिया है लखनऊ की टीम को, उनकी गेंदबाजी को, और पूरी तरीके से इस मुकाबले में अपनी पकड़ बनाकर जीत हासिल की है। 10 ओवर भी नहीं हुए थे, मुकाबला उन्होंने खत्म कर दिया है, कोई मौका ही नहीं दिया लखनऊ के गेंदबाजों को, उनके कप्तान को, किसी तरीके से मैच में वापस आने के लिए। मैच के बाद लखनऊ के फैंस तो शौक हैं, साथ में उनके कप्तान केएल राहुल भी पूरी तरीके से शौक हैं। मैच के बाद उन्होंने बड़ा भावुक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि भाई वो भी समझ नहीं पाए थे कि आखिर उनके साथ मैच में हुआ क्या। राहुल ने मैच के बाद कहा है, मेरे पास शब्द नहीं है, हमने टीवी पर इस तरह की बल्लेबाजी देखी है, लेकिन अनरियल बैटिंग थी। दोनों ने अपनी सिक्स हिटिंग स्किल्स पर कड़ी मेहनत की है, उन्होंने हमें यह जानने का मौका ही नहीं दिया कि दूसरी पारी में पिच कैसी है, उन्हें रोकना मुश्किल था क्योंकि उन्होंने पहली गेंद से ही हमला कर दिया। राहुल ने आगे कहा है, आप एक बार जब हारने लगते हैं तो आपके लिए फैसलों पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। हम 40-50 रन कम रह गए, जब हमने पावर प्ले में विकेट गंवाए तो हमें कोई रन गति नहीं मिल सकी, उसके बावजूद आयुष और निकी ने अच्छी बल्लेबाजी की और हमें 166 तक पहुंचाया। इस मुकाबले में अगर हमें 240 रन भी मिलते तो वो भी उसका पीछा कर सकते थे। यानी एक होता है खिलाड़ी को सामने मैच में हराना, एक होता है उसका मनोबल तोड़ देना। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मुकाबला भूलने जैसा था, उनके कप्तान के लिए पूरी तरीके से उनका मनोबल टूट गया है। आने वाले जो दो मैचेस लखनऊ को खेलने हैं, एक दिल्ली से और एक मुंबई इंडियंस से, उस मुकाबले में लखनऊ का जीतना बहुत ज़रूरी हो गया अगर उन्हें प्लेऑफ की तरफ अपने को जिंदा रखना है तो। लेकिन लखनऊ की टीम यहाँ पर जिस तरीके से मुकाबला हारी है, कई दिनों तक उनके दिमाग में मुकाबला चलने वाला है। सपने में भी कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग उन्हें देखने को मिलेगी। हेड और अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से लखनऊ को यहाँ पर तहस नहस किया है, वो आने वाले कुछ दिनों तक लखनऊ के जहन में रहेगा। लेकिन अगर प्लेऑफ की तरफ चलना है तो लखनऊ को जल्दी भूलना होगा इस मुकाबले में जो हुआ है, राहुल को भूलना होगा, लखनऊ की टीम को भूलना होगा अगर उन्हें अपने प्लेऑफ तक पहुंचना है तो, क्योंकि इस मुकाबले में तो हैदराबाद की शानदार जीत हुई है, कोई मौका लखनऊ को नहीं दिया है।